हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेके। गाइस, आज का ये वीडियो हमारा इतना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद में आके कमेंट में ये चीज बोलेंगे, काश मैंने ये वीडियो पहले देख लिया होता। क्योंकि गाइस, आज के इस वीडियो में तुमको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें मैं बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं BGMI में चीपेस्ट UC जो मिलता है उसके रिगार्डिंग। मेरा बोलने का मतलब गाइज ये है कि BGMI के इन गेम परचेस एंड यूनिपिन के अलावा तुम कहां से चीपेस्ट UC ले सकते हो BGMI में, या फिर ले भी सकते हो या फिर नहीं। एंड गाइज, इस वीडियो का जो सेकंड टॉपिक होगा, अगर मैं उसके रिगार्डिंग बात करूँ तो फिर हम लोग बात करने वाले हैं BGMI ID सेलिंग एंड बाइंग के बारे में, जिसमें मैं तुम लोगों को ये चीज बताऊंगा तुम लोग कहां से एंड कैसे BGMI का ID सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो, या फिर कर भी सकते हो या फिर नहीं। एंड गाइस, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं BGMI का जो रिफंड ट्रिक है उसके बारे में। एंड इसी के साथ में गाइस, मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो 3.3 का अपडेट आने वाला है BGMI में, उसमें अगर तुम लोग रिफंड वगैरह मारते हो तो क्या हो सकता है। और गाइस, ये जो रिफंड ट्रिक है क्या ये सक्सेसफुली वर्क करती है या फिर नहीं, ये भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। एंड इसी के साथ में क्या तुम लोगों को ये रिफंड ट्रिक को यूज करने से BGMI में कोई इम्पैक्ट हो सकता है या फिर नहीं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो तुम लोगों ने ये चीज़ जरूर मेक कर लेना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन पे क्लिक कर लिया हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चीपेस्ट UC इन BGMI के बारे में। मैं इस टॉपिक पे गाइस इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को दो अलग अलग वेबसाइट के बारे में बताया था, जिसमें गाइस सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था ग्रैब इंस्टेंट UC के बारे में। ये वाली जो गाइस वेबसाइट थी, उसका वही सीन था कि तुम लोगों को पैसा लगाना होता था, तुम लोग पैसा लगाते थे, तुम्हारा इन गेम आईडी देते थे, देन फिर तुम लोगों को यहाँ से कोई भी UC नहीं मिलता था। देन गाइज, मैं उसके बाद में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ में एक और वेबसाइट है जिससे स्कैम हुआ था। गाइज, जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है तुम्हारा BAME UC। अब गाइज, ये जो तुम्हारा BAME UC है, इसका भी वही सीन है। यहाँ पे तुमको पैसा वैसा पे कर देना होता है करेक्ट ID देके, लेकिन तुमको तुम्हारे गेम में कोई भी UC नहीं मिल रहा है। इसीलिए गाइज, मैं तुम लोगों को बार बार बोलता रहता हूँ, जिनसे गाइज हमारी अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे गाइज, टोटली मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि जो तुम्हारा BAME UC है वो कम्प्लीटली फेक्ड है। इससे हटके बहुत सारे लोग गाइज, कल के ही दिन मेरे को एक कमेंट आया था, तभी मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। एक वेबसाइट है जिसका नाम होने वाला है BGMI UC Zone। अब गाइज, जो लोग नॉलेजेबल है, लाइक मेरे को पता है यहाँ पे पैसा लगा के पैसा फंसाने वाली बात है, एंड तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिन लोगों को इस थर्ड क्लास जैसी वेबसाइट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो गाइज तुम्हारे लिए इस टॉपिक्स पे बना चुका हूँ। गाइज, तुम लोगों का तो यहाँ पे स्कैम नहीं होने वाला है, लेकिन जिन लोगों का स्कैम होने वाला है वो भी अवेयर हो जाए, मैंने इसलिए इस वेबसाइट के बारे में एक वीडियो बनाया है। अब गाइज, ये वेबसाइट पे UC का क्या सीन होने वाला है, पहले हम लोग वो चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस, तुम लोग अभी खुद स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वेबसाइट तुम लोगों को दे रही है 400 रुपये में 3850 UC। एंड अगर तुम लोग सिर्फ 800 रुपये पे करते हो, देन तुम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा पूरा 25,000 से ऊपर का UC। अब गाइस, मैंने तुम लोगों को पिछले ही वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी वेबसाइट तुम लोगों को उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, लाइक तुम्हारे को इंस्टाग्राम देती है या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देती है, या फिर तुम लोगों को एक परफेक्ट सपोर्ट ट्रीटमेंट मिलता है, तो तुम लोग ऐसी वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली अमेजिंग गेम खेल जाती है। अब गेम कैसे खेल जाती है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जब हम लोग इधर नीचे कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन पे आएंगे, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब जब मैं टेलीग्राम पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग इनके टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, ये सब तो ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे तुम लोग अभी देख लो इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को ये रीडायरेक्ट करता है टेलीग्राम पे वापस से। चलो ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो हमको काम की चीज़ दी है, जिस पे जाके हम लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इन लोगों ने कोई काम की चीज़ नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को चूतिया बनाया है। अब हम लोग यहाँ पे चूतिया कैसे बने हैं, तो मैं तुमको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके बताता हूँ। तुम लोग देख लो ये वेबसाइट का ओनर कौन है, जो तुम्हारा BAME UC है या फिर तुम्हारा जो BAME eSport है, जिस भी बंदे का वो वेबसाइट है उसी बंदे ने इस सेम वेबसाइट को भी क्रिएट किया है। तो गाइज, ये जो वेबसाइट है ये भी कम्प्लीटली स्कैम करने वाले लोग हैं। तो अब गाइज, इन लोगों से भी बच के रहना है, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, पैसा बिल्कुल भी मत लगाना, यहाँ पे कम्प्लीटली स्कैम होने वाला है। इससे हटके गाइज, अगर मैं बात करूँ तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जो ID सेलिंग एंड बाइंग है उसका क्या सीन होने वाला है। अभी जो गाइज ID सेलिंग और बाइंग वाले गेम होते हैं, ये बहुत सारे तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तुम लोग सिंपली YouTube पे जाके सर्च कर देना एक बार BGMI ID सेलिंग स्कैम, तुम लोगों को बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे।
जिसमें कुछ लोग सेल एंड बाय करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग थे गाइस जिन लोगों ने तो ये जो स्कैमर है उनको पकड़ के मारा भी है। व्हाटएवर गाइस, हम लोगों को ये सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गाइस हमारे पास में ऐसा हराम का तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पैसा बहुत ही ज्यादा कीमती है, हम लोगों को ऐसी फालतू की चीज़ों में पैसा नहीं लगाना है। अब गाइस यहाँ पे स्कैम क्या होता है, पहले मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से। एक टेलीग्राम का पेज या फिर एक टेलीग्राम का चैनल है जो तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस नाम से। भाई जब तुम लोग इस चैनल पे जाओगे तो ये बंदा इतना ज़्यादा लिजिट बताएगा अपने आप को, तुम्हारा ट्रस्ट यहाँ पे इस तरीके से बिल्ड किया जाएगा कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जब तुम लोग इसके टेलीग्राम चैनल पे जाओगे यू विल कम्प्लीटली अमेज्ड। एक बंदे का यहाँ पे चैट है, मैं तुम लोगों को अभी चैट बता देता हूँ, तुम लोग उसे चाहो तो रुका रुका के पढ़ लेना। ये बंदे के साथ में लगभग 7 से 7,500 रुपये का स्कैम यहाँ पे हुआ है, जिसपे ये बंदा उसे ऑफर कर रहा था, मतलब जो हमारा मिलियनर आईडी है ना, कम्प्लीटली उसी की तरह आईडी। मतलब भाई मेरे को जितना नॉलेज है ना, तो BGMI में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसके पास में मिलियनर YT जैसा कोई भी आईडी होगा। तो ये सेम उसी की तरह आईडी इस बंदे को ऑफर करता है या फिर डिफरेंट बंदों को ऑफर करता है। तुम लोगों को काफ़ी कम पैसे में ये बहुत अच्छा आईडी सेल करता है। सेल करता है से मेरा मतलब ये है कि तुम लोगों को ऑफर देता है कि तुम लोग इस टाइप का आईडी वगैरह परचेज कर सकते हो उससे। लेकिन जब तुम लोग आईडी परचेज करने के लिए जाते हो, तुमको आईडी पासवर्ड भी मिल जाता है, लेकिन ना ही आईडी ओपन होता है एंड ना ही ये बंदा फिर वापस तुमसे कांटेक्ट करता है। अगर तुमसे कांटेक्ट भी करेगा देन तुम लोगों को बिल्कुल पागल बना के रख देगा, तुमसे रोज़ बात करेगा, ऐसा नहीं करेगा तुमको ब्लॉक कर देगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुमसे बात नहीं करेगा। ये बंदा गाइस तुम लोगों से रोज़ कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन तुम्हारा पैसा तुमको रिफंड नहीं मिलने वाला है 100%। तो ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे बहुत गंदा वाला स्कैम होता है, ऐसे कई है, मैंने तुम लोगों को एक ये जो पॉपुलर चैनल है इसके बारे में बताया है। बाकी गाइस फिर मैं इससे हटके बात करूँ तो एक वेबसाइट है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों को इंस्टाग्राम पे एक पेज देखने के लिए मिला है जिसका नाम होने वाला है unipin.bgmi। यहाँ पे गाइस तुम लोगों को ऐसी ऐसी डील देखने के लिए मिलेंगी जिसे देखने के बाद तुम लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाओगे। तुम लोग अभी स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। देन तुम लोग जब ऐसी चीज़ें देखोगे तो तुम लोगों का दिल होगा कि हम लोग इसकी वेबसाइट जाके ज़रूर चेकआउट करते हैं। तो गाइस जब तुम लोग जाते हो इनकी वेबसाइट पे तो तुम लोगों को वेलकम बोनस में यहाँ पे 5 कंप्लीट मॉडिफिकेशन मटेरियल मिलते हैं। जैसे ही तुम लोग कलेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये तुमसे तुम्हारा BGMI का इन गेम आईडी पासवर्ड मांगेगा। अब जैसे ही तुम लोग आईडी पासवर्ड दोगे उसके बाद में, अब तुमने अगर तुम्हारी आईडी पे 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये लगाया है तो उस आईडी को हमेशा के लिए भूल जाना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा आईडी हैक हो जाएगा, फिर दूसरे लोगों को तुम्हारा आईडी बता के उनसे पैसा हड़पा जाएगा या फिर तुम्हारा आईडी सेल कर दिया जाएगा। तो ये वेबसाइट इस तरीके से स्कैम करती है, तो तुम लोगों ने इन वेबसाइट से गाइस बिल्कुल बच के रहना। तो गाइस नाउ हमारे वीडियो के फाइनल टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब गाइस मैं तुम लोगों को टू बी ऑनेस्ट बता दूँ तो जब BGMI पबजी हुआ करता था, मतलब लगभग 2017-2018 के अराउंड की बात है, 18 में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, हम लोग 17 के एंडिंग से पबजी मोबाइल खेलते हुए आ रहे हैं। एंड गाइस 2017-2018 में तो इतने स्कैम नहीं हुआ करते थे, लेकिन 2019 से जो स्कैम होना शुरू हुए है तुम लोग गाइस इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। गंदे लेवल के खतरनाक स्कैम हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए गाइस मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा कि तुम लोगों को फालतू की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही टेलीग्राम, ना ही इंस्टाग्राम एंड ना ही यूट्यूब वगैरह के चक्कर में जाना है। तुम लोगों को जो भी चीज़ खरीदना है तुम लोगों को UC लगाना पड़ेगा। अब UC भी खरीदना है तो तुम लोगों ने BGMI इन गेम UC परचेस करना या फिर यूनिपिन से कर लेना, उसके अलावा हर जगह स्कैम ही होता है। अब गाइस ये तुम्हारे पे है, आगे तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम लोगों को अवेयर कर देना, बाकी आगे तुम्हारी ही मर्जी है। बाकी गाइस अगर हम लोग इससे हट के बात करें तो हम लोग अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के फाइनल टॉपिक पे, जो होगा तुम्हारा रिफंड ट्रिक। देखो गाइस मैं तुम लोगों को ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने चैनल बनाया था आज से कुछ दिन पहले। उसके चैनल पे वो बंदा ऐसे वीडियो बना के ट्रिक्स तुम लोगों को बताता था, अगर तुम लोग वो ट्रिक को फॉलो करते हो 1000% की गारंटी तो तुमको मैं दे सकता था तुम्हारा रिफंड कंफर्म आएगा BGMI में। लेकिन गाइस फिर वही बात है, उसका चैनल बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल गया, उसके चैनल पे पबजी से रिलेटेड कंटेंट था कि पबजी में रिफंड कैसे मारना है, उसका चैनल पे BGMI से रिलेटेड कंटेंट था कि रिफंड कैसे मारना है। बंदे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा चले भी थे, उसके कुछ वीडियो ऐसे थे जिनको 7-7, 8-8 मिलियन व्यू हुआ करते थे। यही भी बात नहीं खत्म होती, 4.5 लाख सब्सक्राइबर गाइज उस बंदे ने गेन किया था सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने में, क्योंकि गाइज वो इतना लिजिट बंदा था एंड उसको ये जो रिफंड वाला ट्रिक है इसका इतना ज़्यादा नॉलेज था कि लोगों को लाखों रुपए का रिफंड उस बंदे ने दिलाया था। लेकिन गाइज जब BGMI अनबैन हुआ एंड BGMI ने अनबैन होने के बाद में एक्शन लेना शुरू किया तो उसके चैनल पे उसको कुछ बहुत सारे मेल देखने के लिए मिले थे जो स्कैमर के नाम से आए थे, मतलब ये बंदा स्कैम वगैरह करता है। तो वो उस टाइम तो सर्वाइव कर गया था एनी हाउ, लेकिन गाइज फिर उसके बाद में उसकी किस्मत ऐसे ख़राब हुई कि पबजी मोबाइल वालों की नज़र में वो बंदा आ गया, मतलब जो क्राफ्टन ग्लोबल है उनकी नज़र में आ गया एंड यहाँ पे गाइज उस बंदे की लंका लग गई। सबसे पहले उस बंदे को एक कंप्लेंट आता है या फिर एक मेल आता है जिसमें उसे ये बोला जाता है कि जितने भी रिफंड पे उस बंदे ने वीडियो बनाए हैं सारे रिमूव कर दो।
तो उसे लगा कि उसके साथ में कोई बंदा स्कैम कर रहा है। अच्छा खासा ग्रोथ उस बंदे को मिला है। उसे अब लोग डिफेम करने के लिए या फिर उस बंदे का चैनल को पूरा का पूरा सुलाने के लिए उसे इस तरीके के मेल वगैरह कर रहे हैं। उस बंदे को वापस से एक मेल आता है सेम टाइप का, लेकिन वो बंदा वहाँ पे भी नहीं रुकता, सेम टाइप का कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड करता गया। लाखों में व्यूज़ गाइज उस बंदे को आते थे। अगर गाइज मैं सिर्फ उसकी पेमेंट की बात कर लूँ जो उसका यूट्यूब से बनता था, तो उसका $700 से $800 गाइज मंथली जाया करता गाइज। लेकिन दो मेल ऑलरेडी आ चुके थे, तीसरे मेल का आने का वो बंदा वेट कर रहा था कि अब कौन तीसरा मेल करता है, देन उसको ये गाली वगैरह देगा या फिर उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट वगैरह करेगा। तो गाइज उसको तीसरा मेल आता ही नहीं है। डायरेक्टली जब वो मॉर्निंग में उठ के देखता है तो उसका जो यूट्यूब चैनल था वो डीएक्टिवेट हो चुका था, ना ही वो चैनल सर्च करने पे मिल रहा था एंड ना ही उस चैनल को रिकवर किया जा रहा था। ये तो गाइज बात हो गई उन लोगों की जो लोग ये ट्रिक वगैरह बताते हैं। बहुत सारे लोगों के चैनल बैन हुए थे एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके चैनल बैन नहीं हुए हैं। लेकिन गाइज उसी जगह पे अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ आईडीज के बारे में, जो बंदे रिफंड वगैरह मारते हैं उनका क्या सीन है, तो गाइज जब तुम लोग किसी भी तुम्हारे जीमेल से रिफंड वगैरह मारते हो तो ये कम्प्लीटली लाइव ट्रैक होता है। मतलब तुम लोगों ने यूसी परचेज किया एंड फिर उसका रिफंड मारा, तो गाइज उन लोगों के पास में तुम्हारा BGMI का जो आईडी है उसका एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से वो बड़ी आसानी से ट्रैक कर लेते हैं कि किस बंदे ने रिफंड मारा है एंड कितने बार रिफंड मारा है एंड कितने अलग अलग जीमेल की आईडी से तुमने रिफंड मारा है। तो ये सारा का सारा ट्रैकिंग उन लोगों के पास होता है जो BGMI बोलो या फिर क्राफ्टन बोलो, इनकी टीम बैठी है उनके पास में। फिर गाइज ये लोग एक्शन वगैरह लेने पे आते हैं। अभी तो गाइज कुछ दिन पहले ही हम लोगों को BGMI इन गेम में ही एक खेल देखने के लिए मिला था, जहाँ पे जो बंदे रिफंड वगैरह मारते हैं उनके अगेंस्ट में ये चीज़ बोली गई थी कि उनका आईडी बैन हो जाएगा एंड बहुत सारे लोगों का गाइज आईडी भी बैन हुआ है। कुछ बंदे तो ऐसे थे जिनका एक महीने के लिए बैन लगा था, कुछ ऐसे थे 6 महीने के लिए एंड कुछ लोगों को 10 साल का बैन लगा था। अब गाइज अगर किसी बंदे को एक महीने का भी बैन लग जाता है तो लाइफ का पूरा मोटिवेशन या फिर अगर तुम लोग गेमिंग वगैरह में करियर बनाना चाहते हो तो एक रिफंड की वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ पबजी ग्लोबल के बंदे हैं, पबजी ग्लोबल बोले या फिर पबजी KR के, जो पबजी KR या ग्लोबल खेलते हैं, बेसिकली हैदराबाद से वो बंदे थे। उन लोगों ने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि उस बंदे के आईडी को बैन लगा है। बैन के पीछे का रीज़न उसने वही बताया कि वो बहुत ज़्यादा रिफंड मारता था एंड उसके पास में ऐसी ट्रिक थी कि वो 100% रिफंड मार सकता था। अगर वो 7500 के 5 पैक लेता तो 5ों के 5ों को रिफंड मारता एकदम कंफर्म। लेकिन वही है, नज़र में आ गया एंड उसका आईडी बैन हो गया। एंड 1-2 दिन का भी बैन नहीं था, 1-2 महीने का भी नहीं था, पूरे पूरे 10 साल के लिए बैन था। तो गाइज अब ऐसी चीज़ें करके फ़ायदा क्या है, आई डोंट नो। यही सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को BGMI के 3.3 के अपडेट के बाद से बिल्कुल भी नहीं करना है। यूसी के स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। आईडी सेल और बाय करने के लिए बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम लोग जाओगे तो कंफर्म मैं तुमको लिख के देता हूँ तुम्हारे साथ स्कैम होगा, क्योंकि गाइज इंडिया का मार्केट इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि तुम लोगों को इतनी आसानी से कोई बंदा आईडी सेल कर दे एंड तुम लोग उसे परचेज भी कर लो एंड सारी की सारी चीज़ें तुम जैसे इमेजिन करके चलते हो वैसे ही हो जाए। तुम लोगों से अच्छा तगड़ा अमाउंट ले लिया जाएगा एंड एक्सचेंज में मिलेगा कुछ भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना एंड रिफंड के बारे में तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। BGMI खुद बोल रहा है कि रिफंड मत मारो। बाकी नाउ इट्स ऑन यू, अगर तुम लोग चाहो तो मेरी बताई हुई इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। बाकी अब यही था जो तुम लोगों को आज के वीडियो में बताना था। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ लेना एंड तुम में से जिसके भी साथ में स्कैम हुआ है, तुम लोगों ने दूसरों को अवेयर करने के लिए कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बता देना कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। एंड अगर तुम लोगों को मेरा काम का लगा हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तुमने इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।